आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बिल्कुल आसान और हेल्दी स्वीट रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इस दूध में से 1/2 कप दूध निकाल लेना है और इसमें 4 टेबल स्पून फुल कस्टर्ड पाउडर ऐड करें और इसे अच्छे से मिला लें। दूध रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, अगर यह गर्म हुई तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसे अच्छे से मिलाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ ना हो जाए। अब हम मिल्क को उबलने के लिए रख देंगे। दूध में अच्छी सी उबाल आ गई है। जब दूध में अच्छी सी उबाल आ जाए तब इस स्टेज पर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। इसे डालने से पहले अच्छे से चला लेंगे क्योंकि कस्टर्ड नीचे तली में बैठ जाता है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और लगातार चलाते जाएंगे। इस स्टेज पर ध्यान देना है कि लगातार चलाते रहें, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। इसी बीच इसमें 3/4 कप चीनी भी ऐड कर लेना है और साथ ही 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी। इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि कस्टर्ड ठीक होने लगे। इसे पकाने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा, यह आपकी फ्लेम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक पसंद हो तो 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और बढ़ा सकते हैं। कस्टर्ड बिल्कुल हो चुका है, इसे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। बीच में 2-3 बार चला भी लेंगे जिससे कस्टर्ड के ऊपर मलाई ना जमे। इसके बाद इसे रख देना है एकदम चिल्ड होने के लिए 2 से 3 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में। 3 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हम इसमें फ्रूट ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध का कस्टर्ड बनाया है, इसमें से हम 1/2 एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको एक बार में जितने की ज़रूरत हो उतने में ही फ्रूट मिलाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर कस्टर्ड में फ्रूट रहती है तो वह अपना जूस रिलीज़ करती है जिससे कस्टर्ड लिक्विडी या पतला हो सकता है। इसमें फ्रूट ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 कटोरी एप्पल को क्यूब्स में कट करके ऐड किया है। अब इसमें 1/2 कटोरी अनार ऐड करेंगे, साथ ही 1/2 कटोरी ब्लैक ग्रेप्स, 1 कटोरी कटा हुआ बनाना, 1/2 कटोरी ग्रीन ग्रेप्स यानी हरा अंगूर ऐड कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। इसके अलावा आप अपने पसंद के फ्रूट जैसे मैंगो, पपाया या कोई सा भी ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। बस ठंडी ठंडी फ्रूट कस्टर्ड रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप आपको आज की यह सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।